हार्ड हिटिंग वीडियोस। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, जब प्रियंका गांधी से पूछा गया कि क्या राहुल गांधी 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो उनका क्या जवाब था। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 34 साल बाद सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक कांग्रेस ने 136 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस के तमाम नेता इस बड़ी जीत को लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। चुनाव के दौरान काफ़ी सक्रिय दिखाई दी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने। इस जीत को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जीत हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आई है। कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत के बाद जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मीडिया के बीच पहुंची, तो उनसे सवाल किया गया कि 2024 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर चर्चाएं हैं, इस पर आप क्या सोचती हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देखिए, जैसा मैंने कहा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जनता के सामने कुछ गारंटी लेकर गए, हमें उन्हें पूरा करना है और आगे जनता की बताएगी कि क्या होगा। इससे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कर्नाटक की जनता को बधाई देते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक फैसले के लिए कर्नाटक की जनता का हार्दिक धन्यवाद। कन्नड़ लोगों ने भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और मूल्य वृद्धि के खिलाफ अपना वोट दिया और कर्नाटक के लोग हमारे देश को एकजुट करने के लिए कांग्रेस के हाथ के साथ जुड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं को दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपकी निरंतर मेहनत का फल मिला है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के लोगों के लिए किए गए वादों को पूरा करेगी। दोस्तों, इससे पहले मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की हार स्वीकार करने के बाद कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने शनिवार को उम्मीद जताई कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने जीत की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह एक सेकुलर पार्टी की जीत है। कर्नाटक के लोग एक स्थिर सरकार चाहते थे जो वायदे के अनुसार काम करे और इसीलिए कांग्रेस को जनादेश दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।